बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल। टुडे वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, एनिमल राइट्स। ओपन द बुक पेज नंबर 105। ठीक है, एनिमल राइट्स। टुडे वी विल डिस्कस द एनिमल राइट्स, यानी हमने एनिमल राइट्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कि लेसन नंबर 15 में जो है एनिमल राइट्स मींस कि जानवरों के हुकूक क्या हैं, एनिमल्स के हुकूक क्या हैं। जैसे वी लर्न अबाउट द फाइव बेसिक ह्यूमन राइट्स इन बुक 3, जिस तरह हमने बुक 3 क्लास 3 में पढ़ा है। ठीक है, दे वर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स के, इंसानों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या है, फ्रीडम, ठीक है, फूड, शेल्टर, एजुकेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है मेन बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। इट फर्स्ट वन है एट द राइट ऑफ फूड, खुराक, यानी खुराक के बगैर जो है इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो दिस इज़ आवर राइट, यानी हमारा हक है। सेकेंड बी द राइट फॉर क्लॉथिंग, यानी जो हमारे पास कपड़े हैं, ठीक है, इसके बगैर भी हम नहीं रह सकते। थर्ड वन द राइट टू हैव शेल्टर, कि हमारे पास पनागाह हो। शेल्टर मीन्स छत हो, यानी घर हो जहाँ पे हम रहते हैं। डी द राइट टू एजुकेशन, तालीम, जो इंसान बाशऊर बनाता है, ठीक है, इंसान में शऊर लाता है, तो उसको कहते हैं एजुकेशन, तालीम। ई जो है द राइट टू बी लव्ड, फ्रीडम, ठीक है, ना माँ बाप से मोहब्बत करना, बहन भाइयों से मोहब्बत करना, ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखना, तो ये भी हमारा हक है। इन दिस बुक वी विल चेक अबाउट एनिमल राइट्स, तो इसमें हम जो है एनिमल राइट्स, यानी जो हमारे पास जानवर हैं उनके राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर है एनिमल्स राइट्स, ठीक है, यस एनिमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, टू ऑल हैव राइट्स, उनके भी हुकूक होते हैं। वाई, कैसे, बिकॉज दे आर ऑल अल्लाह क्रिएशन, क्योंकि ये अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें हैं, ठीक है, इन पार्ट ऑफ नेचर, और ये कुदरत का एक हिस्सा है। दे आर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, ये हमारे पास जो है अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है। एनिमल्स हैव द राइट टू फूड, एनिमल का भी, उनके भी हुकूक, हक है, खुराक, पनागा, शेल्टर, टू प्रोटेक्ट दियर यंग्स, के वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, हिफाजत रखें, हिफाजत करें, प्रोटेक्ट मीन हिफाजत करना। एंड टू काइंडनेस फ्राम ह्यूमन बींग्स, और वो जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो उनके पास, उनके साथ मेहरबान हों। एनिमल्स कैन फील हंगर, उनको भूख भी लगती है, ठीक है, थर्स्ट, प्यास भी लगती है, पेयर, उनको आंसू भी आते हैं, पेन, उनको भी दर्द भी होता है, इवन हैप्पीनेस, वो खुश भी होते हैं। सी हाउ टू पपी विक्स इट्स टेल्स और किचन पर्स वेन इट इज़ हैप्पी, ठीक है, कि जिस तरह उनके बच्चे खुश होते हैं तो ये भी खुश होते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट स्पीक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, सो ह्यूमंस मस्ट नॉट टू बी क्रूअल टू दीज क्रिएचर्स, यानी एनिमल जो है वो बोल नहीं सकते, वो अपने फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, तो इसलिए इंसान को चाहिए कि उनके साथ सख्त रवैया ना रखें इन मखलूक के साथ। वी मस्ट केयर फॉर देयर नीड्स, और उनके जो ज़रूरियात हैं उनका हम ख्याल रखें। फार्म्स एंड ट्रांसपोर्ट एनिमल्स, जो फार्म्स हैं, ठीक है, जो जिससे हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो हम जाते हैं, जैसे हॉर्सेस पे लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे डंकीज हैं, गधे हैं, उस पर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। एनिमल्स आर किफ्ट ऑन फार्म्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उनको फार्म्स में हमें रखना चाहिए, ठीक है, और उन जो हम ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, करते हैं, आमदोरफ्त के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वी शुड मेक श्योर, तो हमें यकीन होना चाहिए दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस, के उसके साथ हम सही सलूक करें।
ठीक है, फिट प्रॉपरली, उसको सही खुराक दें, केयर फॉर विन एल, जब वो बीमार हो उसका हम जो है इलाज करें, किप्ट क्लीन, उसको साफ रखें, कंफर्टेबल और वो आरामदेह हो, यानी उसकी जो जगह होती है वो साफ हो, वो भी साफ हो, ठीक है, कंफर्टेबल। अगर गर्मी है तो अगर किसी का वो हो, मतलब फ़ैन वगैरह लगा सकते हैं तो फ़ैन लगाएं, अगर नहीं तो बाहर सहन में उसको वो करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है व्हेन वी सी एनिमल्स इन बर्ड्स बीइंग मिसट्रीटेड, ठीक है। जब आप किसी एनिमल या परिंदों को देखें कि उसके साथ कोई सही नहीं कर रहा, वी शुड ट्राई टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, तो आपको उससे उसको रोकना चाहिए कि बिल्कुल हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका हमसे बाद में पूछ होगी कि आपने किस क्यों इस तरह नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं। जैसे हमारे पास है कार्ट एनिमल्स आर समटाइम्स मेड टू कैरी हैवी लोड्स एंड आर बीटन क्रूएली, ठीक है। बीटन क्रूएली मीन्स सख्ती से शदीद, बीटन मीन्स मारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर ये हमारे पास डंकी है, ठीक है, तो ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे हमारे पास इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई उसको मार रहा हो, उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा हो, लोड ज़्यादा हो, तो उसको रोकना चाहिए। क्वाइट ऑफन डंकीज हैच्ड टू कॉर्ड्स हैव वुंड ऑन देयर बैक्स, क्योंकि उस पर ज़्यादा सामान होगा तो क्या होता है कि उसका जो बैक होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, ठीक है। देयर ओनर्स मे नॉट फीड देम प्रॉपरली, और ना उनको सही प्रॉपर खुराक देते हैं, बट बीट देम, उसको मारते हैं, एंड मेक देम वर्क ऑल डे, और उससे पूरा दिन काम करवाते हैं। व्हाट अ सैड लाइफ, तो ये कितनी जो है मतलब अफसोसनाक ज़िंदगी है, क्योंकि उनका क्या होता है, रात को ना वो मतलब दिन को इतने थक जाते हैं, इतने ज़ख्मी हुए होते हैं कि रात को उनको क्या आराम आएगा, ठीक है, और उसे मुसलसल काम करवाते हैं। स्ट्रे एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स जो है स्ट्रे एनिमल्स हैं, आर ऑफन हिट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स, अक्सर होता है ना लोग जो है उससे मारते हैं, स्टिक्स वगैरह से, स्टोन पत्थर फेंकते हैं। मोल्स एंड डंकीज देट आर टू ओल्ड एंड इंजर्ड टू सर्व टू बेबीज टू बर्डन आर जस्ट लेफ्ट टू डाई, क्या होता है जो हमारे पास डंकीज होते हैं, ठीक है, तो वो इतने ज़ख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड मीन ज़ख्मी, कि वो जो है उसको सही ट्रीट नहीं किया जाता, बर्डन की वजह से इतने ज़ख्मी हो जाते हैं कि आखिरकार वो मर जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी क्रूअल, ये जो है बहुत ही जो है अफसोसनाक वो है, ठीक है, क्रूअल मतलब क्रूअल हम उसको कहेंगे यहाँ पे कि वो जो है इतनी जुल्म करते हैं, कितनी जालिमाना लाइफ है, ठीक है। कम टू द पेज नंबर 106, बर्ड्स आर ट्रीटेड वेरी बेडली इन आवर कंट्रीज, बर्ड्स को परिंदों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है, दे आर कॉट स्टफ्ड into small, ठीक है, उसको पकड़ते हैं, crowded cakes in their wings are clipped so they are cannot fly away, उनके पर जो है काट दिए जाते हैं, ठीक है, और उनको जो है पंजरों में बंद कर लिए जाते हैं। In the large market you find birds kept in the terrible खतरनाक condition in the cramped in dirty cakes, cakes means पिंजरे में होते हैं, ठीक है, क्राउडी पिंजरे होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बाज़ार वगैरह में देखें तो वो ख़तरनाक कंडीशन हालत में होते हैं, क्रेम डर्टी और गंदे बुरे, ठीक है, पिंजरे होते हैं। नो वन टेक्स द ट्रबल टू गिव देम फूड और वाटर, ठीक है, और ना जो है उनको खुराक की ज़रूरत होती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है, मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, इनको ही नहीं होता कि उसको खुराक या पानी दे दें। तो ये तो एनिमल्स जो राइट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, कि हमारे पास जो एनिमल राइट्स क्या हैं और उसको हमने किस तरह पूरा करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लें, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।